Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter. Chapter number 6, Effects of the British Rule in India. Chapter number 1 में हम लोगों ने देखा था कि Europeans किस तरह से हमारे इंडिया में आए थे. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो आए थे तो ट्रेडिंग के लिए थे, व्यापार करने आए थे हमारे इंडिया में, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे हमारे इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया. नाउ ये चैप्टर में अब हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश का जो रूल था उसका क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ हमारे इंडिया पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 6, इफ़ेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अरुणा वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग व्हाइल हर डॉटर पूर्वा वॉज सिटिंग बिसाइड हर एंड डूइंग होमवर्क. ना अरुणा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी सुबह, तो उनकी जो लड़की है पूर्वा वो उनके पास में बैठ के वो अपना होमवर्क कर रही थी. तब अरुणा रीड लाउडली रिवॉल्यूशन इन लेबिया. हियरिंग दिस पूर्वा आस्क्ड व्हाई डू पीपल रिवॉल्ट. अरुणा आंसर्ड व्हेन नीड्स ऑफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड एंड द पीपल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस द रिवॉल्ट. अरुणा ने ज़ोर से पढ़ा कि लिबिया में जो है वो बगावत हुई है. और ये जैसे ही पूर्वा ने सुना तो पूर्वा ने पूछा कि रिवॉल्ट क्या होता है. तो अरुणा ने उसे आंसर दिया और ये कहा कि जब लोगों की जो उम्मीद होती है या लोगों की जो नीड होती है वो जब पूरी नहीं हो जाती तब वो लोग रिवॉल्ट करते हैं. इन अवर कंट्री ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ द पीपल was very bad and resulted in a revolt. हमारे इंडिया में भी, हमारी कंट्री में भी ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश का शासन हुआ था तब हमारे जो लोगों की कंडीशन थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी. और उसका रिजल्ट निकल के क्या आया, 1857 में रिवॉल्ट हुआ. लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ इंडियंस एट दैट टाइम. चलो मैं आपको कुछ लाइफ बताती हूँ जो इंडियंस की लाइफ बताती हूँ जो वो टाइम पे हुई थी. इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th century. 18th century तक इंडिया बहुत प्रॉस्परस था, बहुत पैसे थे इंडिया के पास में, आर्थिक स्थिति की तौर पर इंडिया बहुत आगे था. द एनार्की दैट फॉलोड डेथ ऑफ द औरंगजेब टू कुड नॉट वीकन इट. और औरंगज़ेब की जब डेथ हुई, ये भी जो चीज़ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, इसमें भी इंडिया की जो स्थिति थी उसके ऊपर कोई भी प्रभाव इस चीज़ का भी नहीं आया था. तब भी इंडिया बहुत प्रॉस्परस था. इट हैज़ बीन एडमिटेड बाय हिस्टोरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड दैट द इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन टेक्निक एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेड इन इंडिया वेर अनमैच्ड एट दैट टाइम. अब हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो भी ये मानते हैं कि पूरे दुनिया में इंडिया को कोई भी मैच नहीं कर सकता था, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में हो या कोई भी चीज़ को बनाने की जो टेक्निक होती है या तो फिर व्यापार का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो इंडिया में इतना अच्छा था कि कोई भी दूसरी कंट्री उससे मैच नहीं कर सकती थी. द सेम कंट्री इंडिया became poor and bankrupt during the nearly 200 years of British rule. और यही वो कंट्री जब ब्रिटिश रूल के अंडर आई तो 200 साल में पूरी तरह से गरीब हो चुकी थी. बहुत जितना प्रॉस्परस था वो सब चला गया था. इट बिकेम द कंट्री दैट सप्लाइड रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड एंड ऑफर्ड अ लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड. ये वो कंट्री बन के रह गई थी जो मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ को सप्लाई करती थी और जो फिनिश प्रोडक्ट की जो फैक्ट्रीज़ थी इंग्लैंड में उसमें बहुत बड़ा मार्केट तैयार करती थी. कंडीशन ऑफ पीसेंट एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. द ब्रिटिश गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ दीवानी राइट्स. That is a right to collect land revenue of Bengal, Bihar and Orissa. Now, Britishers के हाथ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ गई थी
कि जो इनकम है वो उसे बढ़ा सकते थे, अपनी जो उनकी इनकम थी वो उसे बढ़ा सकते थे दीवानी राइट्स के द्वारा। अभी जो दीवानी राइट्स क्या था, दीवानी राइट्स में जो लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना होता था। तो ये जो राइट था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुका था, तो ब्रिटिशर्स अब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बंगाल से, बिहार से और ओडिशा से। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीसेंट्स टू अर्न मोर रेवेन्यू एंड एज अ रिजल्ट द पीसेंट्स बिकेम पुअरर। अब उन्होंने क्या किया, जो व्यापारी लोग थे, जो कारीगर थे, जो फार्मर थे, उनसे ज़्यादा रेवेन्यू लिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो फार्मर थे, जो व्यापारी थे, वो सारे और भी गरीब होते चले गए। मैनी टाइम्स द पीजेंट हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे द रेवेन्यू। और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि जो कारीगर लोग होते थे उन्हें अपने खुद के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी जो होती थी वो पे करनी पड़ती थी ताकि वो रेवेन्यू दे सके। अ लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर एंड कॉन्सिक्वेंटली फेल इंटू अ डेब्ट ट्रैप। नाउ होता क्या था कि सपोज़ करो एक फार्मर है, वो फार्मर जाके किसी से उधार ले रहा है रेवेन्यू पे करने के लिए, तो वो जो किसी से उधार लेता था और जो वो उधार नहीं चुका पाता था तो वो बहुत ही कर्जे में डूब जाता था। फार्मर्स लॉस देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर इन मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। किसानों के हाथ से उनकी ज़मीन चली गई थी, खेतीबाड़ी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था कई क्षेत्रों में इंडिया के। मोरेवर बंगाल विटनेस्ड अ ट्राइबल फैमिन इन द ईयर 1770 इन विच लैक्स ऑफ पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। इसके अलावा ये हुआ था कि बंगाल में बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ा, जिसे कहते हैं कि अनाज नहीं मिल रहा था खाने के लिए। तो ये कब की बात है, ये हुआ था 1770 में, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो चुकी थी स्टारवेशन से। इसका मतलब होता है कि भूख से जब मौत हो जाती है उसे स्टारवेशन कहा जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवेलिस एनफोर्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे, उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट शुरू किया जिसमें वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन द एनुअल बेसिस। अब एनुअल बेसिस के ऊपर एक फिक्स्ड पेमेंट उन्होंने लगा दी। द जमींदार वेयर गिवन द पेमेंट राइट ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। जो ज़मींदार थे उनको परमानेंट लैंड की एक पेमेंट देनी थी और उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना था। This is how a class of landlord loyal to the company was created. Now, इस तरह से क्या हुआ, जो ज़मींदार थे वो कंपनी के लिए लॉयल बन चुके थे। This act also ensured the income of the company. तो ये act जो था इससे company का भी एक fixed income बन चुका था। Against this, peasant who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited. इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो किसान था, क्योंकि वो कड़ी धूप में लैंड में क्रॉप कल्टीवेट कर रहा था, तो वो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो उसी को हो रहा था। सी द पिक्चर 6.1 एंड 6.2। इम्प्रोवाइज्ड पीजेंट। नाउ ये वो व्यापारी लोग हैं, वो कारीगर लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा था और वो परेशानी में बैठे हुए थे, और 6.2 के इमेज में लॉर्ड क्रॉनवेलिस की फ़ोटो दी गई है। इफ़ेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ पे किस तरह से ब्रिटिशर्स का इफ़ेक्ट हुआ था वो हम देखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग द पर्सन वो वॉज गिवन द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज नोन एज अ कलेक्टर। नाउ वॉरेन हेस्टिंग जो थे उन्हें ये जॉब दी गई थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, इसीलिए उन्हें कलेक्टर कहा जाता था। ही अल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज। उसी के साथ साथ वो जज भी कई कई जगहों पे होते थे। द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड अवर एंशियंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। अब जो ये ब्रिटिश सिस्टम आया था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका रूल करने का जो तरीका था, ये बहुत अलग था। और ये रूल, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे इंडिया के एंशियंट सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, जो सेल्फ रूल का सिस्टम होता था।
इन द एंशियंट टाइम एवरी विलेज वॉज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक. पहले ज़माने में एक छोटा सा गांव भी एक खुद का रिपब्लिक होता था. ग्राम पंचायत हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज. ग्राम पंचायत जो होती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, वो पूरा कामकाज संभालती थी पूरे विलेज का. दिस पंचायत वेयर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन अवर कंट्री. और ये जो पंचायत होती थी ये एक तरीके की बैकबोन होती थी हमारे सेल्फ रूल की हमारे कंट्री में. दिस इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ रूल स्टूड देयर ग्राउंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉरेन इन्वर्शन एंड सुल्तानत पीरियड बट वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. ये जो इंस्टीट्यूट था लोकल सेल्फ रूल का ये तब भी जारी रहा जब फॉरेनर्स ने हमारे इंडिया में आने लगे. सुल्तान का जब पीरियड चला तब भी ये बरकरार था, लेकिन ये डिस्ट्रॉय तब हुआ जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने लाई थी, जैसे कि एनेक्सेशन पॉलिसी हो गई, इस तरीके की जो पॉलिसी थी इससे ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, ख़त्म हो चुका था. द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस. अब कंपनी के द्वारा जो नई नीतियाँ आ रही थी उससे लोगों में बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई थी और बहुत वो डर गए थे. दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चरल रिलीजन फॉर एवर. और उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है, वो उन्हें क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहती है और उनको उनका जो इंडियन कल्चर है और उनका जो धर्म है उसको वो पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है. पीपल बिलीव दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डिलाइबरेटली अंडरमाइंड इन द रेलवेज एंड मिलिट्री. अब लोगों का ये सोचना था कि जो इंडियन सोशल सिस्टम है ये रेलवे और मिलिट्री के द्वारा पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है. एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन आगरा दैट एवरी इंडियन हैड टू सल्यूट द ब्रिटिश. अब एक ऑर्डर आया आगरा से कि जितने भी इंडियन हैं उनको ब्रिटिशर्स को सल्यूट करना पड़ेगा. इफ़ इट वॉज नॉट डन इट वॉज कंसिडर्ड अ क्राइम एंड वॉज लाइबल फॉर पनिशमेंट. और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे क्राइम के तौर पर कंसिडर किया जाएगा और उन्हें उस चीज़ की पनिशमेंट भी मिल सकती है. एज अ रिजल्ट there was a widespread sentiment of anger and hatred for the British among the Indians. अब इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के बीच में लोगों के sentiments बहुत hurt हो चुके थे और उनके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था. Britishers के लिए एक hatred बढ़ चुका था Indians लोगों में. Destructions of Indian trade and industries. अब क्या होने लगा, द हैंडलूम ऑफ इंडिया सप्लाई टेक्सटाइल टू मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप. अब जो हैंडलूम होता है, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ होती थी इंडिया की, जो कारीगरी होती थी कारीगर लोगों की, वो सप्लाई करते थे टेक्सटाइल मार्केट टू एशिया में और यूरोप में. तो द ट्रेड फॉर्म द यूरोप कंट्रीज यूज टू कम टू इंडिया टू परचेस कमोडिटीज़. तो जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी लोग थे यूरोपियन कंट्री के, वो हमारे कंट्री में आके उन चीज़ों को लेकर जाते थे. The Indian made jute, silk, woolen and cotton textile were in high demand in the European market. तो ये हम लोगों को पता है, चैप्टर वन में हम लोगों ने देखा है कि यूरोपियन मार्केट में हमारे इंडियन कम्योडिटीज़ की कितनी ज़्यादा डिमांड थी. स्पेशली जो इंडियन मेड डिमांड है, जैसे कि जूट, सिल्क, वुलन, कॉटन टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ों की, और ब्लैक पेपर वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी. द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मुस्लिन ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस. और मुस्लिन जो एक सॉफ्ट कपड़ा होता है जिसे ढाका कहा जाता है, वो वर्ल्ड में फेमस था. अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स कम्योडिटीज सच एज सॉल्ट, साल्टपेटर, शुगर एक्सेट्रा वेयर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ बिलियंस गोल्ड एंड सिल्वर. नाउ इसके अलावा, जैसे कि कपड़ों के अलावा, कमोडिटीज़ के अलावा, जैसे कि सॉल्ट, साल्टपेटर, शुगर, ये सारी चीज़ का भी एक्सपोर्ट होता था. और बहुत सारे, मतलब हम कहते हैं ना कि एक बड़े लेवल पे इसका एक्सपोर्ट होता था हमारे इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज़ में.
ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के जितने भाव में एक्सपोर्ट होता था ये सारी चीज़ें। इन द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द ब्रिटिश टुक 500 करोड़ रुपीज एज पर टुडे स्टैंडर्ड ओनली फ्रॉम बंगाल ड्यूरिंग द रूल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम ब्रिटिशर्स ने बंगाल से 500 करोड़ रुपीज लिए थे। जस्ट इमेजिन द वेल्थ द ब्रिटिश वुड हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द होल कंट्री। आज के तौर पे अगर देखा जाए सिर्फ उन्होंने बंगाल से इतने पैसे लिए थे तो आप इमेजिन करो कि वो हमारी पूरी कंट्री से कितने पैसे कितना वेल्थ लेके गए होंगे। थिंग्स टू नो, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टुडे टू टॉक अबाउट लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज़। आज के टाइम पे जब भी हम लाख और करोड़ रुपीज़ की बात करते हैं तो हम लोगों को इतना सरप्राइज नहीं लगता। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़ 50 ईयर्स अगो। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जाके एक बार पूछना कि 1000 रुपीज़ की वैल्यू वो टाइम पे कितनी थी। Why were the coins larger in size in those days? Now you have to find out कि पहले टाइम पे जो कॉइन की साइज़ होती थी वो इतनी बड़ी क्यों होती थी। With the help of raw materials produced in India and money collected from India, the business and industries in England prospered. अब जो इंडिया में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था और जो ब्रिटिशर्स इंडिया में जो पैसे कलेक्ट कर रहे थे उससे इंग्लैंड में जो ब्रिटिश बिजनेस ब्रिटिशर्स का जो बिज़नेस था और इंडस्ट्रीज जो थी वो फलने फूलने लग गई थी और प्रॉस्पर्ड हो गई थी। देयर माइल्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, उनकी जो माइल्स थी वो प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गई थी। द क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेड इन इंडिया विदाउट लेविंग एनी ड्यूटी ऑन इट। Whereas there were taxes up to 80% on the cloth manufactured in India. अब जो इंग्लैंड में क्लोथ बनते थे क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड हो रहे थे और इंडिया अब तक आ रहे थे उनको कोई भी उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, लेकिन जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे थे क्लोथ उनको 80% ऑफ टैक्सेस पे करना पड़ता था। एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकेम कॉस्टलियर इन इंडियन मार्केट इट्सेल्फ। और इसका रिजल्ट निकल के क्या आया कि जो इंडियन में इंडियन मार्केट जो है जो इंडिया के लोगों ने ही बनाया है वो इंडिया में ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कुड नॉट विदस्टैंड द कॉम्पिटिशन एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्फ। अब जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के जो लोग थे कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले जो लोग थे वो कंपटीशन उन लोगों का नहीं कर पाए एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्फ और वो उनके सामने खड़े नहीं हो पाए। मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ अवर कंट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लास पेपर मिनरल शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा गॉट रूइंड ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज जो थी जो स्किल के बेस्ड पे काम करती थी जिससे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लास पेपर मिनरल शिप बिल्डिंग ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की अलग अलग जो पॉलिसी थी उनके वजह से। लैक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर बिकेम अनएम्प्लॉयड, लाखों लोग जो थे जो स्किल्ड वर्कर थे वो अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर ऑफ द रूरल एरिया ऑफ इंडिया बिकेम पुअरर। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो गरीब वर्कर थे जो गरीब लोग थे तो रूरल एरियाज़ में जो काम करते थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब बन गए हमारे इंडिया में। नाउ यू कैन सी द इमेज 6.3 प्लाइट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आप 6.3 एक इमेज देखो कि किस तरह से एक बैड या तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई थी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में हमारे इंडिया में। तो ये जो कारीगर लोग हैं जो व्यापारी लोग हैं वो किस तरह से सैड बैठे हैं। कोई भी काम हो छोटे से छोटा पॉटर कॉटेज का कोई भी छोटे से या छोटा या बड़ा काम हो वो सब कुछ बंद हो चुका था। अब हम ये चैप्टर में थिंग्स टू नो जितने भी अब तक हम लोगों ने देखे वो सारे
रीड करेंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे जो थिंक का कॉलम है उसमें हम लोग आ जाते हैं। सो दिस वुड बी योर फर्स्ट पेज। व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल जो है वो किसे कहा जाता है? ओके, रॉ मटेरियल जो होता है वो एक बेसिक मटेरियल होता है जिससे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। अब हम इसका एक डेफिनेशन देखते हैं कि रॉ मटेरियल किसे कहा जाता है। रॉ मटेरियल आर द मटेरियल्स और सब्सटेंस यूज्ड इन प्राइमरी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड। रॉ मटेरियल्स आर द कमोडिटीज दैट आर बॉट एंड सोल्ड ऑन कमोडिटीज एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड। रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो मिनरल या तो कोई सब्सटेंस होते हैं जो यूज़ होते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन में या तो फिर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड में। जैसे कि मैंने बताया कि वो एक बेसिक मटेरियल होते हैं जो प्रोडक्ट्स बनाने में काम आते हैं। रॉ मटेरियल्स आर द कमोडिटीज दैट आर बॉट एंड सोल्ड ऑन कमोडिटीज एक्सचेंज ओवर वर्ल्ड वाइड। रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो कमोडिटीज़ होते हैं जिन्हें या तो लाया जाता है या बेचा जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। क्लियर एवरीवन? नाउ सेकंड, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। एग्जांपल्स ऑफ रॉ मटेरियल, नंबर वन, ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस। ग्रेन जैसे कि गेहूं और चावल। Vegetables such as carrots and onion, meat such as beef and chicken, wood from a tree, honey from a bee's nest, mineral or metal from a mine and crude oil. These are the examples of the raw material. इसी तरह से थिंक टू नो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। नंबर थ्री एंड नंबर फोर जो है वो आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे के जितने भी थिंग टू नो है वो आप खुद ट्राई करना कि आप सॉल्व करो।